सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये है सेल्फी स्टिक, इसकी मुझे ज़रूरत भी थी। ये है मेरी भाभी जी। भाभी जी डाले सब गोबर? हाँ यार डाले ली। कती खड़ है? दो तीन खेड़ डाले। चले आओ तो यूँ सुबह सुबह गोबर डालूनी है। अभी सिलाई। ये रही अरबी की सब्जी, तो ये पक चुकी है अब, और पकते इतनी गाढ़ी होती है। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आशा फसवाण, उत्तराखंड चमोली के शोल डूंगरी गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत पहाड़ों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की 9 बज रही है और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी मेरे घर से ही हो रही है। तो आज मैं पूरे दिन घर पर ही हूँ। हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है और नहाना धोना भी मैंने कर दिया है, क्योंकि अब रेगुलर सिलाई करूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े आ रखे हैं मेरे पास। तो माँ चली गई घास के लिए और धीरू जो कि मेरा भाई कल आया घर, वो अभी राशन लेने के लिए गया है डीलर के घर में, डीलर की दुकान पे। तो कमरे की हालत कुछ इस तरह से हो रखी है। ये देखो सारा फैला रखा है। ये धीरू का बैग है, ये पोटली पार्ली जो भी है सारा इसमें रखा हुआ है। इसको संभालना है पहले, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो उससे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरा भाई जो आया है कल, क्या गिफ्ट लेके आया है, क्या लेके आया हूँ मेरे लिए। तो दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये है सेल्फी स्टिक, इसकी मुझे ज़रूरत भी थी। और तो ये देखिए ऐसा है, ये तो सबने देखा ही होगा इसको, ऐसे ही अटकाने वाला नीचे से। ये देखिए यहाँ पे फ़ोन रख के अब मैं इसके इस्तेमाल से ऐसे सेल्फी भी ले सकती हूँ और वीडियोज भी बना सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रहा, और इसके बाद दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आया है। वो एक थैला है, तो ये स्वेटर लेके आया है माँ के लिए। ये देखिए जो कि बहुत अच्छा है और बहुत मोटी भी है, गर्म काफ़ी। ये माँ के लिए लेके आया है और मेरे लिए ये स्वेटर लेके आया है। और फ़ोन पे उसने मुझे बताया कि मैं तेरे लिए हुड लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये स्वेटर है जो कि ये भी बहुत अच्छी है, मेरे को ये भी बहुत पसंद आई। और पापा के लिए एक जैकेट लेके आया, और एक ट्राउजर अपने लिए कुर्ता पजामा लेके आया है। पीला कलर का कुर्ता है और वाइट कलर का पजामा है, ये अपने लिए लेके आया है। ये तो ये सारा फैला रखा है, अब इसको ठीक करना है। और एक साड़ी ना आंटी जी ने देहरादून से दे रखी है, तो आंटी जी हर बार जब भी धीरू घर आता है एक एक साड़ी माँ के लिए देती है। मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही साड़ी, जो कि बहुत प्यारी साड़ी है, और आंटी जी के लिए भी धन्यवाद। साड़ी मम्मी को भी पसंद आ गई और मेरे को भी आई, तो आप हर बार देती हो, आपको आपके लिए दिल से धन्यवाद। धीरू ना यहाँ आने से पहले मतलब देवाल गया था, देहरादून से आके वो डायरेक्ट देवाल गया था। देवाल में मेरी दीदी रहती है, तो दीदी ने भी दे रखा है अरबी। ये देखो अरबी मतलब गडेर, ये देखो। तो इनके उनके यहाँ, हमारे यहाँ भी होता है लेकिन उनके यहाँ ज़्यादा होते हैं शायद। तो हर बार देती है, दीदी को जी को भी धन्यवाद। और कुछ बीज भी दे रखा है इसके अंदर, ये मेथी और राई का है या सरसों का है, जिसका भी है बीज भी है और ये भी है। कर दिए मैंने सारे कपड़े पैक, और ये सुबह सुबह एक सूट और आ रखी है, और अब मैं करूँगी सिलाई। तो आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिलाई करनी है सीधे जाके, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े आए हैं और कटिंग मैंने कल की करके रखी हुई है। और मशीन भी मैंने सुबह सुबह बाहर निकाल दी, क्योंकि कल कल शाम को मैंने यही रूम में करी थी सिलाई, क्योंकि रात हो चुकी थी और शाम को ठंड होती है, तो यहीं पे करी थी सिलाई। तो सुबह सुबह मैंने यहाँ सफाई करके मशीन को बाहर रख दिया था। तो अब मैं सिलती हूँ कपड़े, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। भाभी जी आ रखी है गोबर डालने चम्मा से। ये देखिए ये है मेरी भाभी जी। भाभी जी डाले सब गोबर? हाँ यार डाले ली। कती खेड़ है? दो तीन खेड़ डाले। चले आओ तो यूँ सुबह सुबह गोबर डालूनी है। अभी सिलाई कौन आधी रू सिंह राशन लेके डीलर आवा। अच्छा भाभी
अभी जी को डाल के जान बैठी चमाई और धीरू सिंह है राशन है के एक अधिकार है रे एधरो का अधिकार है 24 किलो 24 किलो बस 24 किलो निहुन कर। तो धीरू ने धो दिए अपने सारे कपड़े क्योंकि मैं भी सिलाई कर रही हूँ और माँ भी घास के लिए गई है तो इसलिए खुद ही धोना पड़ेगा। तो उसने धो दिए सारे कपड़े। 12 बज चुके हैं और हम लोग पी रहे चाय। तो आज ये चम्मच से चाची जी आ रखी है गोबर डालने के लिए। तो ये इनकी दो बेटियाँ हैं यथा दो बेटियां हैं, एक रहती है बूंगा और एक रहती है रणकोट। तो ये पता कितनी सुबह मतलब घर से ये चंपी है तो ये सुबह कितने बजे आ तो 6 बजे आ गई थी मम्मी के घर से। ये अपने घर से 6 बजे जबकि अंधेरा होता है तब निकल गई थी। 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गई डुंगरी पहुँच गई। तो ऐसी होती है बेटियाँ अपने माँ का ससुराल से अपनी माँ का काम करने के लिए मतलब खेतों में गोबर डालने के लिए मम्मी का दुख झेलने के लिए आई हुई है। हाँ तो एक ये है यथा तो ये शर्मिली है तो इसका ससुराल बूंगा में है पार चो जनी कपा पे हा लगा अब मल तरवे चाची जी से। तो यू भी तू कद बजे निकल भूंगे सात बजे निकलू नी थोड़ा नजदीक से तो यू तो कभी बेड़े हो तो माँ दर्द मतलब बेटी कभी भी मतलब देख नहीं सकन अपो कति भी दुख दर्द हो फिर भी अपो माँ हेल्प कौन है जान तो ये बुन बेटी होता बड़े लड़ी से ता लड़ी से ता लड़ी से ता लड़ी को ला पता चल नौकरी के जब है फोन नहीं कौन तब पूछी भी नहीं एमा तो कन गया हो तेल खाना खाई कि नहीं खे मो डेली कि नहीं डेल अब बेटी से डेली फोन भी कराल पूछल भी और काम कौन बयान चल आओ। तो इन लोगों ने सुबह से 3 खेत को बटा दिया और अभी मतलब बाकी है कति खेत रहे रे तुम्हारी 5 खेत बाकी रहे तो इन बाटे आज सरास भी जोड़ क्योंकि ना छोटा छोड़ नान से तो देखो क्या बोला इन्हें जति भी तारीफ करो ना शाम को घर भी जाना है अभी तो 5 खेत और बाकी रह रखे हैं 3 पूरे हो गए अब जा रहे हम ओके बाय। कमेंट में लिखना कैसा होता है बेटियों का दर्द। हाँ चाची जी भी जान बैठी अब जाओ रे लाओ डाला डाला माँ मेरी माँ कर रही है चावल छांट रही है भात बनाने के लिए और मैं दोबारा सिलाई करने के लिए जा रही हूँ ऊपर। आयु बेकार हो चाहिए खाली आँख खोल खाने कुछ काम हो नहीं है पर आई है मैं सो काम कर सुबह राशन ले के आयु कति किलो ले रहे कति किलो ले रहे 24 किलो चावल 24 किलो चावल 24 किलो गेहूँ लेके आ गया और सारे कपड़े भी धो दिए अपने जितने थे तो छेचू थोड़ा बहुत किसान क्या बोलता अब अम्मी कपड़ा सिलोना जी यो सूट में तैयार है अब तो सर सिलोन क्योंकि कपड़ा ना बहुत ज़्यादा आया सुबह भी आते रहे आज सुबह भी लगातार है क्योंकि मैं सो दिन में घर में नहीं थी तो आज सुबह भी बहुत कपड़ा आया। अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया और धीरू जा रहा है बैलों के साथ दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ से धीरू जा रहा है बैलों के साथ वो इनको चराने के लिए ले जा रहा है नीचे खेतों में तो वो खेत खाली होते हैं इस टाइम पे तो वहाँ पे चराते हैं जंगल नहीं लेके जाते। अभी मैंने अब जो सूट सुबह का सिला हुआ था उसको तुलपाई करना शुरू कर दिया है तो इसको फटाफट तुलपाई कर लेती हूँ। तो सूट तैयार करने के बाद मैंने एक सूट और सिल लिया और प्रेस भी कर लिया तो शाम के 5 बजने वाले हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है और बादल छाए हुए पूरे आसमान में देखिए दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से देखिए कुछ इस तरह से घनघोर बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में लगता है बारिश आएगी। मैं आ चुकी हूँ किचन में तो हम लोगों ने चाय भी पी लिया और आग चढ़ा रखा है चूल्हे पर दिखाती हूँ आप लोगों को क्या चढ़ा रखा है। ये देखो कितनी बड़ी आग जल रखी है और इसमें है अरबी और जो हमारे घर की भाषा में बोलते हैं पिनाव। ये देखो उबालने के लिए रखा हुआ है तो इनको उबाल के उसके बाद बनती है इनकी बहुत अच्छी सब्जी बहुत बहुत पाकने जता बेरी अम्मी अमां बैठे कुमौरा गाने कुमौर लगी बहुत ज़्यादा घा पे जाल बहुत कुमौर है ना तो घा घा के घास है बहुत भी बात गाड़ी से। देखो पक चुका है पिनाव भी अब मेरी माँ छिल रही है देखो मेरी माँ छिल रही है पिनाव को मुझे भूनना है। ये है भांग का बीज भांग के दाने भांग और भून हमारा घर में तो ये पिनाव उसा में डाल के ना बहुत स्वादिष्ट हूँ तो ये भून के डालो पौन तो तवा धाने से चूल्हा में
अब भुनियोल भांग। अब मैंने मसाले पीसना शुरू कर दिया है, मसाले पीस रही हूँ मैं। तो हम सिलबट्टे पे ही पीसते हैं अभी भी, तो सिलबट्टे का ना तो बहुत स्वादिष्ट होता है ये मसाले जो होता है, सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। ये अरबी छीलने के बाद काट के रख दिए हैं और अब बनेगी सब्जी। अब ये गुटका, अरबी का गुटका तैयार हो गया और ये थोड़ा सा गुटका निकाल के बाकी जो बचा हुआ है सब्जी उसमें कढ़ाई में, तो उसमें पानी डाल देंगे, उसका तरीदार जो है तरीदार सब्जी बनाएंगे उसकी। इस सब्जी को ना थोड़ी देर पकने के बाद ये करछी से मैश करेंगे, इसको पूरा घोट देंगे, तो इसकी गाढ़ी वाली सब्जी बनती है जो ये पिनाव होता है अरबी। ये देखो पकने के बाद इतनी गाढ़ी हो जाती है ये, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। हो चुकी है अरबी की सब्जी तैयार, देखो कैसे पक रही है और आग भी बहुत अच्छी जल रखी है।